अमेठी में जाड़े की रात में पुलिस सोती रही और जागते हुए चोरों ने बड़ी वारदात को अंजाम दे डाला। अमेठी कोतवाली क्षेत्र में पूर्व प्रधान के घर से चोरों ने करीब 10 लाख के जेवरात और लगभग 45,000 की नकदी को पार कर दिया। सूचना के बाद पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है। मिली जानकारी के अनुसार घटना अमेठी कोतवाली क्षेत्र के रायपुर फुलवारी गांव की है। पूर्व प्रधान प्रतिनिधि सुनील कुमार पांडे के घर पर बीती रात चोर घुस आए थे। सुनील बताते हैं कि आज सुबह जब हम लोग सोकर उठे तो घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था। उन्होंने बताया कि कमरे के ताले टूटे हुए थे, कमरे में रखे बाक्सों के भी ताले टूटे पड़े थे। सुनील ने बताया कि छोटा भाई छत पर कमरे में सो रहा था, उसे जब सुबह आवाज दी गई तो उसके कमरे की कुंडी भी बाहर से बंद थी। उन्होंने बताया कि लगभग 12 से 15 लाख रुपए की बीज चोरी हुई है। सुनील ने पुलिस को लिखित तहरीर दी है, जिस पर पुलिस ने अज्ञात के विरुद्ध मुकदमा दर्ज कर विवेचना शुरू कर दी है और इस चोरी के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल व्याप्त हो गया है। आज हमारे यहाँ चोरी हुई थी। सुबह हम लोग जब उठे तो घर में पूरा सामान बिखरा पड़ा हुआ था, ताला कमरे का टूटा हुआ था और पूरे जितने कमरे के अंदर बक्से थे वो पूरे उन बक्सों का ताला पूरा टूटा हुआ था। जब छोटे भाई को आवाज़ दिया गया, छोटा भाई ऊपर सो रहा था छत पे, जब उसको आवाज़ दिया गया तो उसका बाहर से कुंडी बंद थी। लमसम कितने की चोरी आपके यहाँ हुई? हमारे यहाँ मानकर चलिए आप करीब 12 से 15 लाख रुपए की चोरी हुई है। अमेठी से नाउ 44 के लिए शुभम के साथ राजेश सोनी की रिपोर्ट। सुल्तानपुर और अमेठी की सबसे पहले और सबसे तेज